हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर मीना वर्या। आज आपको थर्ड ईयर में जो कंपोजिशन की हमारी क्लास होती है उससे रिलेटेड इस पेंटिंग के साथ हम बात करते हैं। ये भी कंपोजिशन ही है। कंपोजिशन का आपको मीनिंग पता है कि कंपोजिशन का मीनिंग होता है कि आप पिक्टोरियल स्पेस में फॉर्म्स को, शेप्स को रख करके संयोजित करते हैं, जिसके अंदर खूबसूरती हो, बैलेंस हो, रिदम हो, हारमोनी हो, वो सारी ही चीज़ें हों जो एक चित्र के लिए ज़रूरी होती है। आप देखिए कि इसमें सब्जेक्ट की जब हम बात कर रहे थे पिछले कुछ वीडियोस में, तो आज इसमें जो सब्जेक्ट है आपको देख करके ही समझ में आ रहा होगा कि जैसे मास्क है ना, और ये देखिए ये बॉटल्स हैं, ये टाइम है ना, ये लॉक है, ये हमारे फुटवेयर से चप्पल्स हैं, है ना, और ये कोरोना का शेप दिया है, ये मास्क पहना हुआ है, और ये सोशल डिस्टेंसिंग भी आप कह सकते हैं, जैसे सर्किल के अंदर ये फिगर को खड़ा करके रखा हुआ है। ये सारे इसमें आप देखिए सोशल डिस्टेंसिंग में जो हमारे, जैसे कि हमारे गाइडलाइन भी है गवर्नमेंट की, कि इस तरह से आप दूर दूर में करके उसमें खड़े रहें, एक दूसरे से दूरी बना रखें स्वस्थ होने के लिए। तो देखिए इसमें वो हमारे जो एक तरह से स्टोरी है कोरोना की अभी प्रेजेंट में जो चल रही है वो भी इसको कवर कर रहा है, प्लस अपने आप में एक बड़ा खूबसूरत सा अलग अलग ये पूरा जो स्पेस है पिक्टोरियल स्पेस अलग अलग भागों में भी डिवाइड हो रहा है और एक दूसरे से कटा हुआ नहीं होकर के एक दूसरे से जुड़ा हुआ बड़ा रिदमिक लगता है। आप देखिए यहाँ पर ये मास्क पहना हुआ है, फिर इसके हाथ में ये एक बास्केट है, तो ये टोकरी जो है वो ऐसा नहीं कि खाली टोकरी, एक स्टोरी कहती है कि जैसे ये मान लीजिए एक गोला है जिसमें ये खड़ा है फिगर, और उसमें ये सामान लेने के लिए, जैसे कि हम अभी बाहर जा रहे हैं तो उसमें हम अलग अलग दूर दूर खड़े हैं और सामान लेने के लिए भी हमको बड़ी परेशानी हो रही है और हमको ये इसकी पालना करनी पड़ रही है हमारे स्वास्थ्य के लिए, हमारी रक्षा के लिए। तो ये देखिए आप इसके अंदर स्टोरी के साथ साथ स्पेस डिविजन भी हुआ है, इसको आप देखें बड़े ध्यान से, बहुत ही आनंद आएगा। इसकी जो कलर स्कीम है वो बड़ी खूबसूरत है, लेकिन उसके साथ साथ जैसे ब्लू मैंने डाला है, क्योंकि अभी एक तरह से हम सबका ब्लू पीरियड चल रहा है, थोड़े तकलीफ में, हम सब पूरा विश्व ही पूरे तकलीफ में है, तो डाला है। लेकिन उसके साथ साथ देखिए ये कलर डाल देने से जैसे प्रकृति अभी बड़ी अच्छी फूल रही है, समय ठहरा हुआ है लेकिन चल रहा है, यानी अभी समय रुका है लेकिन समय कभी रुकता नहीं है, चलता ही रहता है। पहले अभी हमारा जो समय है वो थोड़ा मुश्किल है लेकिन खुशियाँ तो ज़रूर आएगी। तो इसको आप थोड़ा नैरेटिव करने के साथ साथ आप इसका स्पेस डिविजन और उसके साथ कुछ कुछ ऑब्जेक्ट्स रिलेटेड टू द सब्जेक्ट, टेकन सब्जेक्ट, तो उस तरह से आप ले सकते हैं और बना सकते हैं। अभी आपने देखा होगा कि जैसे कोई सामान खरीदने जाते हैं तो उसमें हमको जैसे वेट करनी है तो कुछ लोग अपना चप्पल्स रख के चले जाते हैं, कुछ अपना कुछ बॉटल्स रख के चले जाते हैं कि ये मेरी जगह रुकी हुई। तो ये सारी हमारे लिए फॉर्म्स की तरह बड़े सुंदर तरह से यूज़ भी हो गई और हमारा स्पेस डिविजन भी हो गया, सब्जेक्ट को जो कि बहुत ही क्लियर करता है। ये लॉक बना दिया, इसी सर्कल के अंदर लॉकडाउन था तो उसमें ये लॉक लगा है, यानी हमको अंदर रहना है, भीतर रहना है, बाहर नहीं निकलना है। ये जो यहाँ से आप देखिए ये एक जो आड़ी जो रिदमिक लाइन डाली है ये इन दोनों स्पेस को तो अलग कर ही रही है, पर साथ साथ स्टोरी भी चलती है कि कोरोना सब तरफ फैला हुआ है, कहीं ऐसी जगह नहीं जहाँ कि कोरोना नहीं है, तो हमको सोशल डिस्टेंसिंग करते रहना है, मास्क बराबर पहनना है, और हम जब भी कुछ बाजार में लेने करने जाएं तो एहतियात बरतें, इन सब चीज़ों का हमको ध्यान रखना है। अब देखिए जब आपको ये कलर की बात करें, हम ये तो एक स्टोरी हो गई, कलर की भी बात करें तो इसमें हमको कई सारे टोन्स मिलते हैं। ब्लू में भी देखिए आप, ये डार्क है, ये उससे अलग ब्लू है, ये अपने अल्ट्रामेरिन की तरफ जाता है ये ब्लू का शेड, ये लाइट ब्लू है, ये थोड़े से टर्कोइश की तरफ जाता है, और फिर थोड़ा और लाइट हो गया, फिर इसके ये कोबाल्ट ब्लू आ गया, है ना, ये आपका वॉलेट जो है ब्रिलियंट वॉलेट जैसा थोड़ा सा शेड आ जाता है, ये आ गया, फिर ग्रीन, ब्राउन, तो इसमें देखिए कि ये एक ही ब्लू कलर है लेकिन
उसके कितने सारे शेड हैं। यहाँ पे आपको देखिए सेरुलन ब्लू और कोबाल्ट का मिलावा, आपको ये सारे शेड्स दिखते हैं, और इसके अंदर ये रेड में भी तीन चार ये जो शेड हैं। तो इस तरह से आप जब भी कलर भरें तो आसपास के कलर, जिसको हम कहते हैं दोस्त रंग, एक दूसरे के साथ वाले रंग जो आसानी से एक दूसरे में सेट हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा एक दूसरे का विरोधाभास नहीं होता, ऐसा करने से उसमें एक रिदम पैदा होता है, खूबसूरती आती है, कहीं एक अचानक से ब्रेक नहीं आ जाता है। तो इन चीज़ों का अपने आपको ध्यान रखते हुए कलर इसके अंदर भरना है। और आपको मैं बताऊं कि जैसे ये जो छोटे छोटे हैं, ये कोरोना का तो हमने बताया ही, लेकिन अपने आप इसको और भी इमेजिनेशन करें कि छोटे छोटे ब्लू बेल्स वाले जो फ्लावर्स होते हैं उसको आप मान सकते हैं, है ना। ये इस तरह से, यानी कि यदि हम ढंग से रहेंगे, हम सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन करेंगे जो हमारे को इस कोरोना काल में करना है, तो फूल भी खिलेंगे, हम अच्छे भी हो जाएंगे जल्दी से। तो ये तो स्टोरी की बात हुई, लेकिन साथ साथ इसमें हमने ये फॉर्म्स ऑब्जेक्ट्स अलग अलग तरह के जो शेप्स हैं वो हमने लिए हैं, और उसका बड़ा अच्छा सा देखिए पास में तीनों इसमें हल्के और गहरे शेड्स से हमने ब्लू को ही इसमें बहुत अच्छा ये इस्तेमाल हुआ है। और यहाँ पर ये देखिए इस लाइन को ऊपर करने के लिए इसको हमने लाइट कर दिया, नीचे वाले को डार्क कर दिया, इस तरह से कई कई छोटी छोटी बातें हैं जो आप बहुत अच्छे से इसको देख करके और इस तरह से आप इससे आइडियाज ले सकते हैं और अच्छा बना सकते हैं। ये हमने यहाँ पर डार्क कलर डाला है, डार्क इसलिए भी डाला है कि ये जो पीछे का जो फॉर्म है ये इस आगे वाले फॉर्म को निकाले, तो यहाँ पर हमको एक दूसरे को ये दोनों कलर जो शेड हैं वो कॉम्प्लीमेंट करते हुए मिलते हैं। यदि हम इसको भी लाइट किए होते और ये पीछे वाला भी लाइट हो जाता तो शायद इतना अच्छे से नहीं निकलता, तो इसलिए ये करना ज़रूरी था, क्योंकि एक मेन आपका सब्जेक्ट जो है निकल के आ रहा है ये पूरे पेंटिंग में, ये आपको कुछ कहता है, उसके बाद ये सारी स्टोरी चलती है। तो आपको इन चीज़ों का भी ध्यान रखना है कि जब आप कंपोजिशन करें उस वक्त आप किस शेप को या किस भाग को या किस फॉर्म को सबसे आगे निकालना चाहते हैं और किसको सेकेंडरी रखना चाहते हैं, किसको थर्ड स्टेज पे रखना चाहते हैं, क्योंकि वो उसके इम्पोर्टेंस के अकॉर्डिंग आपको रखना पड़ेगा। और वो आप जब कलर करेंगे तो किसके माध्यम से, उसके शेड्स के माध्यम से ही आप इसमें ये करना आपके लिए संभव हो पाएगा। ब्राउन में भी यही बात है, आप देखिए यदि इसको हम बिल्कुल प्लेन कर दें तो इसमें जान नहीं रहेगी, बहुत हार्ड भी हो जाएगा और वो मज़ा नहीं आएगा, रिदम नहीं क्रिएट होएगी। अब इसके अंदर देखिए आपने थोड़ा थोड़ा लाइट और ड्रैग करके इसमें एक टेक्सचर वैल्यू ही आ गई, और एक जो बिल्कुल सपाट है वो चीज़ हमको यहाँ पर नहीं दिखती है, मगर हमने इसको बहुत हाईलाइट करके बहुत डिटेल काम इसमें चमकता हुआ नहीं किया। यदि हम ऐसा करते तो ये जो हमारे मास्क की जो इम्पोर्टेंस है वो एकदम से ख़त्म हो जाती। तो इन सब चीज़ों को आप ध्यान में रखें, कहाँ कितना गहरा कलर लगाना है, लाइट कलर लगाना है, कौन सा आकार कितना बड़ा, किस आकार से कितना छोटा, इन सब बातों का आपको ध्यान रखते हुए एक आपका जो स्पेस है पिक्टोरियल, उसके अंदर आपके सब्जेक्ट के हिसाब से आपको अलग अलग फॉर्म्स लेते हुए आपको कंपोजिशन करना है। अब एक चीज़ आपको लगेगा कि जैसे येलो है और ये है कलर, एक दूसरे से कंट्रास्ट है ही है, इसलिए हमने इसको यह कलर क्या येलो यूज़ किया, लेकिन ये येलो एकदम ब्राइट येलो नहीं है। यदि ब्राइट येलो होगा तो एकदम से ये बहुत ही ब्राइट हो जाएगा और लाउड हो जाएगा, जैसे बहुत आँखों को चुपता हुआ। हमको इसमें सटल कलर चाहिए जो सब्जेक्ट को भी उभारे और जो हमारे विषय की गंभीरता है, कोरोना जो पीरियड की वो बहुत गंभीरता है, वो सिंसिरिटी के साथ और सेंसिटिविटी को कंटिन्यू करते हुए वो चीज़ बाहर निकले, इसलिए हमने इस तरह के यहाँ पर शेड यूज़ किया। अब देखिए ये आकर के यहाँ कनेक्ट हो रहा है, यानी कि ये समय फिर इसको उठाएगा। ये आपने वॉच यहाँ पर देखी, लॉक की बात हमने कर ली, ये एक सोशल डिस्टेंसिंग वाला गोला भी हो गया और लॉक भी हो गया,
तो आप इस तरह से सोच सकते हैं और बना सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए, इस गोले को मैंने अंडरटोन कर दिया, यानी है तो सही पर कलर के साथ थोड़ा मर्ज कर दिया। यदि मैं इसको यहाँ पर ये नहीं किया होता तो क्या होता कि इसकी इसकी और इसकी ये जो इम्पोर्टेंस है इनकी, ये कम हो जाती, क्योंकि ये भी उतना ही हाईलाइट होता जितना कि ये हो रहा है, जबकि हमारा मेन जो है पूरा दारोमदार ये इतने इतने एरिया में चल रहा है। तो ये है तो सही लेकिन उसको हमने मर्ज कर दिया पीछे की तरफ, तो इसमें ये जो स्पेस है ये थोड़ा सा पीछे जाने से ये बाकी के जो शेप हैं और बाकी का जो एरिया है इसको बहुत अच्छे से वो आगे निकालता है और उसको कॉम्प्लीमेंट करता है। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है, ऐसा कभी ना सोचें कि इस गोले को मैंने इतना बड़ा बनाया तो यहाँ पर भी इतना ही बड़ा, इसको ऐसे बनाया तो इसको ऐसे। आप किसी भी चीज़ को किसी भी एंगल से देख करके, अलग अलग एंगल से देखी हुई चीज़ों को यहाँ पर आप बना सकते हैं कि कोई चीज़ मैंने बिल्कुल सामने से देखी तो यहाँ से अलग शेप दिखेगी, ये यदि इधर से देखी तो अलग दिखेगी, उन सब शेप को भी आप यहाँ अलग अलग बना सकते हैं। तो इन सभी बातों का ध्यान रखते हुए आपको अपना जो है काम करना, और मुझे लगता है कि आप इस तरह से बहुत अच्छे से इसको आप इंजॉय करेंगे, इस पेंटिंग को बहुत अच्छे से आप देखें और इसके बाद इसका आनंद भी उठाएं और इसका भरपूर ध्यान में इसको रखते हुए भरपूर एक तरह से बेनिफिट लेते हुए अपना कंपोजिशन आप तैयार कर सकते हैं। इसको पूरा देखिए आप, एक यहाँ से ऊपर से देखते हुए आइए, फिर इसको पूरा जूम करके आपको एक साथ अभी दिखाते हैं। ये जो पेंटिंग है इसका मैं बता दूँ साथ साथ, ये एक्रिलिक पेंट से बनाई है, कैनवास के ऊपर बनाई हुई है और इसका जो साइज़ है वो 18 इंच बाई 24 इंच है, 1.5 बाई 2 हम कह सकते हैं। तो मुझे आशा है कि आपने इस लेक्चर को भी और जो मैं ये डिस्क्रिप्शन दिया गया और पेंटिंग को बहुत एंजॉय किया होगा निश्चित रूप से, और इसको देखते हुए आप अपना काम करेंगे और मुझे इसकी सूचना देंगे। धन्यवाद।